मध्य प्रदेश का पन्ना भारत का एक नायाब जिला है, क्योंकि यहाँ पूरे देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर उत्कृष्ट क्वालिटी के हीरे पाए जाते हैं। हीरा खदानों और पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध रहा ये जिला अब अवैध उत्खनन के लिए कुख्यात होता जा रहा है। ताजा मामला पन्ना जिले के गुनौर क्षेत्र का है, जहां लंबे समय से चल रहे अवैध रूप से काले पत्थर के उत्खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण लंबे समय से अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे माइनिंग माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। गुनौर क्षेत्र में ये खदानें चरहा, खुटहा, झुमटा, बरहा, बिलघड़ी, सलेहा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर चल रही हैं, लेकिन शासन इन्हें देखकर भी मूक दर्शक बना हुआ है। इस मुद्दे पर हमने बात की SDM गुनौर भूपेंद्र रावत से। उनका कहना है कि गुनौर क्षेत्र में कोई पत्थर खदान का पट्टा नहीं है, ना ही पत्थर खोदने की अनुमति है, और अगर यहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध तहसीलदार को भेजकर कार्रवाई कराएंगे। पन्ना से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार एंटी सेल माफिया के तहत कार्रवाई करने की बात कर रही है और टीम गठित कर ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, जैसे कि अवैध रेता या पत्थर खदानों पर लापतोड़ कार्रवाई करने का दम भर रही है। मगर वहीं देखा जा रहा है कि गुनौर राजस्व मंडल के आधी अंतर्गत पत्थर खदानें अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं और पत्थर माफिया पत्थर निकाल रहे हैं, इन पर कार्रवाई होने का नाम नहीं लिया जा रहा। अभी तक इस मैटर पे हमारे पास किसी भी पटवारी के द्वारा या आमजन के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत है इस तरह की, आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें दिखाइए, तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, अपने क्षेत्र में कितनी पत्थर खदानें संचालित हो रही हैं? पत्थर की खदानें सच गुनौर अनुभाग में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। हम इसका पता करते हैं कहाँ पर उत्खनन हो रहा है।